हाय, स्वागतम टू माय चैनल। तो मेरा नहाना हो गया कंप्लीट और मैंने बाल वॉश किया है, हेयर वॉश किया है क्योंकि मेरे बालों का बहुत ही गंदा वाला मेरे बालों का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा लग रहा है पूरा डैमेज और बहुत ही हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने सोचा आज थोड़ा एलोवेरा लगाते हैं, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया और अभी मैं खाना खाऊंगी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। सो या खाना खा लेते हैं, फिर एक एक करके करेंगे। सोच रही हूँ कि अब एलोवेरा लगाऊँ या ना लगाऊँ, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब बाकी दिनों से कम है बट बहुत ही कड़क धूप निकली है। और फूल तोड़ो, देन मिक्स करो, देन लगाओ, फिर कब जाकर ख़त्म होगा, कब सूखेगा। मैं सोच रही हूँ कि कल लगाते यार, आज बहुत हालत ख़राब है। तो बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लगाऊंगी आज। कल करे सो आज करे सो अभी, राइट। और कल मुझे टाइम नहीं मिलेगा शायद, क्योंकि मेरे को बोलने दे। कल 10 बजे से क्लास है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे टाइम मिलेगा। और एलोवेरा मैंने काट लिया है तो कितने दिन रखेंगे, है ना। अभी मैं करती हूँ। नहीं करने वाली, आज बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा लास्ट तक ना ही, देखते हैं कल या फिर परसों करेंगे। फ्रिज में रख दिया मैंने तो बाद में करेंगे, आज नहीं कर सकती। आज मेरा एनर्जी लेवल ऐसा हो गया तो आज नहीं कर सकती, छोड़ो क्या हो जाएगा, थोड़ा बाल गिर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने नहीं बताया ना कि मैं क्यों व्लॉग कर रही हूँ, है ना। तो कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट होगा 19। अभी बोल रही ना, तो कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है। तो कल से मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है 19 तारीख से, आज है 18। सोचा कि फर्स्ट डे ऑफ माय कॉलेज बना लेते हैं व्लॉग, है ना। तो अभी आज से ही स्टार्ट कर दिया व्लॉग, कल तक जाएगा। यार जल्दी कॉलेज स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल से, मतलब दुर्गा पूजा के बाद अगर स्टार्ट होता तो ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना। मेरा मन नहीं उतना जाने का, बट जाना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तो बनाना पड़ेगा ना। फर्स्ट सेवन डेज बिना यूनिफॉर्म के भी हो जाएगा। और मैं अभी सो कर उठी हूँ, दिख रहा है क्या मेरे आँखें बड़े बड़े हैं क्या। आमी चीनी गो गो ओ गो इग्नोर्ड। एक्सरसाइज बेली फैट नहीं, खानदानी पैक ज़्यादा लग रहा है। नहीं, मैंने इतनी मेहनत से जो इतना ज़्यादा खानदानी पैक बनाया उसको रिड्यूस करने में कितना दिन लगेगा। ओके, तो कॉलेज यूनिफॉर्म नहीं बना है तो मैं यही पहन कर जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही कुर्ता है। और हमेशा की तरह मैं आज भी लेट हूँ, 9 बज गया है। और मैंने सोचा था कि 9 बजे निकल जाऊँगी क्योंकि गाड़ी मिलने में थोड़ा लेट होता है, बहुत ही ज़्यादा लेट होता है। और कॉलेज पहुँचने में भी बहुत ज़्यादा लेट होगा। क्यों यार मैं इतना लेट क्यों हूँ। ठीक है, तो रेडी होकर मिलते हैं, ठीक है। डांट खा कर मिल गया वो क्या बिल्डिंग, मेरा रूम मतलब मेरा क्लास, और सास वो डांट पड़ी बट इट्स ओके, और मैं अकेली हूँ, चलो कोई ना। मुझे मेरा रूम मिल गया और मैं भी अपने दोस्त की फील कर रही हूँ,
नर्वस हूँ मैं सीरियसली, और क्या बहुत नर्वस हूँ। একজন টিটকারি মারা মানুষ যে কোনো সময় কেউ রে সাপোর্ট করতে পারত না, প্রমোট করিয়া দিছি ভালো লাগতেছে না তো বাংলাদেশ হয়েছি কেউ কিছু বুঝতো না দূর দূর, আর তোমরা দেখা হাই। तो क्लास ख़त्म और कॉलेज का जो कॉलेज किसी और दिन दिखा दूंगी मैं, अभी हम जा रहे हैं घर। फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ठीक ठाक, उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा नहीं, नर्वसनेस से पूरा भरा क्योंकि किसी को नहीं जानती थी, अकेली थी और क्या मतलब फ्रेंड्स थे उनका क्लास ज़्यादातर फ्रेंड्स का लेट क्लास था तो एकदम अकेली और किसी को जानती नहीं थी पहचानती नहीं थी, पहला दिन था यही। बट कोई ना, मैंने जाकर चार पांच फ्रेंड भी बना लिया, मुझे फ्रेंड्स बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो। और फिर क्या, बहुत ही भूख लगी है, सिर्फ सुबह चाय पी कर निकली थी और कुछ नहीं। और राइट ओके, लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। स्प्राइट पीते पीते तो मैं क्या बोलने वाली थी कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज ठीक ठाक था उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं, और मतलब मेरे फ्रेंड्स है ज़्यादा, मतलब 50% में से 99% का लेट क्लास था, मेरे साथ कुछ भी मैच नहीं कर रहा था तो मैं गई अकेले, बहुत नर्वस थी। फिर मिले प्रिंसिपल सर, उनसे पूछा, फिर सब कुछ मैनेज किया। आप मुझे स्प्राइट गिफ्ट कर सकते हो बाय द वे, ठीक है, मुझे बहुत पसंद है स्प्राइट पीना। और रही बात ब्लॉगिंग की, तो मैं आपको पता है मैं उतना मतलब पब्लिक फ्रेंडली ब्लॉगर नहीं हूँ, फिर भी आज मैंने ट्राई किया और या अच्छा लगा। और जितना भी कहो यार, मतलब लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं वो नहीं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पड़ता है जो कि नहीं पड़ना चाहिए। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि एकदम फ्रेंडली ब्लॉगर बनूँ। या आज से हमारे घर में एक नया रूल स्टार्ट हुआ है, नो रीज़न से रोज़ सोमवार को हम वेज खाएंगे, तो क्या आज सोमवार है आज वेज है। और मेरा फेवरेट पनीर बना है और करेला, माय फेवरेट करेला। किस किस को पसंद है और पनीर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। चलो खाना खाया जाए यार, मेरा भी बहुत मन है कॉलेज घूमने का, तो जिस दिन मैं घूमूंगी उस दिन आपको भी टूर करवा दूंगी, ठीक है। हमारे घर बहुत सारे मेहमान आए हैं अपने पूरी ख़ानदान को लेकर, और ये सबसे हैंड है, कुछ दिन के मेहमान हैं, खान पान करेंगे फिर चले जाएंगे। एंड करते हैं, अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और दुआओं में याद रखना।